तो आज से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पढ़ने से पहले आपको छत्तीसगढ़ के नक्शे के बारे में याद या बनाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ नक्शे से अच्छे से याद होती है और सरलता से याद होती है और लंबे समय तक याद रहती है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाने से पहले इसके छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास जानने से पहले नक्शा बना लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। ये जो नक्शा है, अगर इसमें आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिससे कि ये नक्शा प्रॉपर तरीके से कैसे बना और कौन से ज़िले का गठन कब हुआ हम इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का नक्शा कैसे बनेगा। तो देखिए, ये जो है एक आउटर लाइन है, इस आउटर लाइन को हम सबसे पहले बनाएंगे। आप अपनी कॉपी में सेम ऐसी बनाइएगा, एक आउटर लाइन बनाइएगा। आउटर लाइन में देखिए ऐसा ये ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ होने के बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, पांच। तो हम क्या करेंगे, ये जो पांच संभाग हैं इसको हम कितने तीन लकीरों से बांट देंगे, जिसमें से चार संभाग हो जाएगा। तो देखिए, ये जो हो गया पहली लकीर, ये दूसरी लकीर और ये जो हो गया तीसरी लकीर। तो इस प्रकार से सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये आपका बस्तर संभाग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरगुजा संभाग की। सरगुजा संभाग में क्या करेंगे, जानते हैं पांच जिले हैं, तो ये एक जिला, ये दो जिला, ये हम ऐसा आड़ा लाइन खींचेंगे तो ये तीसरा जिला और ये चौथा और पांचवा जिला। अब अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से जिले हैं, तो ये कोरिया, कोरिया जिला हो गया, ये कोरिया, इसके बाद ये हो गया आपका सूरजपुर जिला, सूरजपुर, इसके बाद ये हो गया आपका बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला, इसके बाद ये हो गया सरगुजा, सरगुजा के बाद ये हो गया जसपुर। अब ये जसपुर जिला हो गया तो ये हो गया आपका सरगुजा संभाग तैयार हो गया। अब देखिए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ये आपका बन गया। देखिए, हमको क्या करना है, कौन सा जिला किस पे स्पर्श करता है और कौन सा जिला किसको स्पर्श नहीं करता, इस बात पे ध्यान देना है, ना कि इस बात पर ध्यान देना है कि कौन सा जिला बड़ा है छोटा है। देखिए, अब हम बात करते हैं बिलासपुर संभाग की। तो देखिए, बिलासपुर संभाग में अभी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एक नया जिला बना है, हम उसको भी इस नक्शे में ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये दो लकीर खींचे आप, इसके बाद ये दो लकीर खींचने के बाद हम क्या बनाएंगे, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। देखिए, इसके लिए एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे। इसके बाद इस लाइन को ऐसा खींचने के बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन और खींचेंगे, उसके बाद ये बीच में से बना देंगे। तो देखिए, ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग तैयार हो गया, जिसमें कि ये क्या हो गया, मुंगेली, ये क्या है आपका मुंगेली। मुंगेली के बाद ये हो गया आपका गौरेला, पेंड्रा और मारवाही, ये आपका हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका बिलासपुर, ये हो गया आपका कोरबा, ये हो गया आपका जांजगीर चांपा, ये हो गया आपका रायगढ़। तो ये जो हो गया आपका बिलासपुर संभाग तैयार हो गया, जिसमें कि मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। अब हम बात करते हैं रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। तो एक बीच में लाइन खींच दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस बार ये जो लाइन है इसको देखिए, ये जो दो लाइन गई है ऊपर, उससे थोड़ा सा अंदर खींचेंगे, यहाँ पे दो लाइन खींचेंगे। देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले
ये जो लाइन है वो बनाएंगे एक लाइन। आप लोगों को क्या करना है कि ये जो कोरिया जिला है, कोरिया सूरज कोरिया जिला के ये जो लाइन है उससे थोड़ा अंदर एक लाइन खींचना है, जिससे कि यहाँ पे हम कवर्धा और राजनगांव जिला बना लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले ये एक पतला सा लाइन खींचेंगे यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा सा ऐसे। इसके बाद एक और लाइन खींचेंगे ये ऐसे, और यहाँ पे बीच से कर देंगे। ये हो गया आपका कवर्धा, ये हो गया आपका राजनांदगांव। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन खींचे हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो लाइन गई है इससे थोड़ा नीचे हम यहाँ दो तीन दो भाग में बांट देंगे। ये बेमेतरा हो गया, ये दुर्ग हो गया, और ये हो गया आपका बालोद। ये तीनों को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब रायपुर संभाग की ओर चलेंगे। रायपुर संभाग में ये रायगढ़ से एक लकीर खींचते हुए हम बेमेतरा से ऊपर लाइन में लाना है थोड़ा ऐसे। इसके बाद ये जो लाइन है हमको दुर्ग से थोड़ा ऊपर ये मिल जाएगा, और फिर ऐसा करके धमतरी, और फिर बीच से कर देंगे। तो ये हो गया बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद ये हो गया रायपुर, रायपुर होने के बाद ये हो गया धमतरी महासमुंद, और ये हो गया आपका गरियाबंद। इसके बाद क्या करेंगे अपन, हम चलेंगे बस्तर संभाग की ओर। तो सबसे पहले ये धमतरी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ तक आएगी। इसके बाद यहाँ से देखिए आप लोग जिले को छोटा बड़ा मत देखिएगा, बस ये देखिएगा कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है। फिर एक लाइन खींचिएगा, फिर एक लंबी लाइन खींचिए, फिर यहाँ से एक ऐसा खींच दीजिए, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, और फिर यहाँ से एक फिर इधर और एक इधर नीचे साइड। तो ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ये हो गया आपका कांकेर, ये हो गया आपका कोंडागांव, ये हो गया आपका नारायणपुर, नारायणपुर, और ये हो गया आपका बीजापुर, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया बस्तर, और ये हो गया सुकमा। इस प्रकार से आप 28 ज़िले बना लेंगे। तो देखिए ये 28 ज़िले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा। इस प्रकार से ये हो गया 28 जिला आपके लिए तैयार। के बाद अब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको ये जानने से पहले आपको भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका एक माइंड सेट हो जाए। जिन्होंने भारत का इतिहास अभी तक नहीं पढ़ा है उसी वे लोग इसे अभी ध्यान से देखें। जब मैं भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर मैं बात करूं, भारत के इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिस प्रकार से ये जो तीनों काल है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों काल में छत्तीसगढ़ में हमें क्या मिले हैं, तथ्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं उससे हम क्या किए अंदाजा लगा है कि ये प्रागैतिहासिक काल का है, ये आद्य ऐतिहासिक काल का है, ये ऐतिहासिक काल का है। तो चलिए अब अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो इसे वापस से तीन भागों में विभक्त किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर आप भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये तीनों पढ़ना पड़ेगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। परंतु अगर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में आप
पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और यहां पे आ जाता है एक क्या, उत्तर पाषाण। तो ये क्या आ जाता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उत्तर पाषाण काल, और उसके बाद आ जाता है नवपाषाण काल। तो ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए कि हम किस बारे में कहाँ से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, और प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल के जगह और उसके संदर्भ में क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल की मैं बात करता हूँ। तो पूर्व पाषाण काल में हमें जो विशेष तथ्य मिले हैं, पत्थर के हस्तचलित कुलाल मिले। पूर्व पाषाण काल में छत्तीसगढ़ से हमें पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। अब ये जो है ये कहाँ से मिले हैं, तो रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा में। आपने कॉपी में जैसा मैंने बनाया है वैसा ही सेम आप बनाइएगा, एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाइएगा, उसमें रायगढ़ जिला ये है। इस रायगढ़ जिले में सिंघनपुर जो है वहाँ पे पूर्व पाषाण काल में पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। कहाँ मिले हैं, ये सिंघनपुर की गुफा है, यहाँ पे हमें पूर्व पाषाण काल के पत्थर में पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। आप लोगों को एग्जाम में यही पूछता है कि पत्थर के हस्तचलित कुदाल छत्तीसगढ़ में किस जगह मिले हैं, तो सिंघनपुर गुफा जो कि रायगढ़ में स्थित है। इसके बाद हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में हमें क्या क्या मिला है, लाल रंग की छिपकली घड़ियाल, लाल रंग की छिपकली घड़ियाल, सांभर आदि के चित्रकार मिले हैं, और लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्रकार लघु पाषाण, अर्धचंद्रकार लघु पाषाण, ये सब हमें कहाँ मिला है, मध्य पाषाण काल में। लेकिन ये किस जगह में मिला है अगर मैं बात करूँ, तो ये मिला है हमें रायगढ़ में। कहाँ मिला है, कबड़ा पहाड़। देखिए ये रायगढ़ में कबड़ा पहाड़ जो है, यहाँ हमें क्या मिला है, मध्य पाषाण काल में लाल रंग की छिपकली घड़ियाल सांभर लंबे फलक वाले औजार अर्धचंद्रकार लघु पाषाण। अनेक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि लाल रंग की छिपकली हमें कहाँ मिली है, तो वो है रायगढ़ के कबड़ा पहाड़ में। अब अगर हम बात करें उत्तर पाषाण काल की, तो उत्तर पाषाण काल में मानव आकृतियों का चित्रण, मानव आकृतियों का चित्रण और औजारों की आकृतियां खुदी हुई, ये औजारों की आकृतियां खुदी हुई, ये कहां मिला है हमें उत्तर पाषाण काल में, ये हमें मिला है घनपुर। ये है घनपुर जो कि कहां है, बिलासपुर में। घनपुर कहां है, बिलासपुर में। इसके बाद इसी उत्तर पाषाण काल में हमें ये जो मानव आकृतियां जो खुदी हुई है वो कहां कहां मिली है, एक है घनपुर, एक है सिंघनपुर, और एक है आपका उड़ीसा साइड जो है कालाहांडी। खैर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें दो जगह में मिला है। कहाँ कहाँ मिला है, एक घनपुर में मिला है और एक सिंघनपुर गुफा में मिला है। क्या चीज़, उत्तर पाषाण काल में हमें दो जगह, जो घनपुर है बिलासपुर में, सिंघनपुर गुफा है रायगढ़ में। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर पाषाण काल में ये जगह में मिला। अब अगर हम बात करें नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में छिद्रित घन औजार जो है, छिद्रित घन औजार नवपाषाण काल में हमें कहाँ मिले हैं, दुर्ग के अर्जुनी, ये दुर्ग है तो दुर्ग में अर्जुनी जी से मिले हैं, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी, ये राजनांदगांव जिला है जहाँ पे चितवा डोंगरी है। इसके बाद रायगढ़ का ये जो टेरम है, ये टेरम, ये तीन जगह से हमें क्या मिले हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तीन जगह आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कौन कौन सी, चितवा डोंगरी, अर्जुनी और टेरम, जो कि कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण काल में छिद्रित घन औजार के साक्ष्य हमें मिले हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से हमें
पाषाण घेरा मिला है, शैलचित्र मिला है, लौह युगीन पाषाण घेरा मिला है। तो फिलहाल आप लोग इतना जानिएगा, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर गुफा, मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़, उत्तर पाषाण काल घनपुर और सिंघनपुर, नव पाषाण काल चितवा डोंगरी, अर्जुनी और टेरम। ये आप मैप से आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं पाषाण घेरे और शैलचित्र की बात करूं तो ये हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। देखिए, दुर्ग में एक जगह है करका भाटा, ये मिट चुका है। करका भाटा जो है, अब ये करका भाटा, करी बदर, चिरचारी और सोरर, यहाँ पे हमें पाषाण घेरा मिला है। पाषाण घेरा का मतलब ये होता है कि जो जब इतिहास में ये था कि जब पहले के लोग ख़त्म हुआ करते थे तो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद जमीन में दफना दिया जाता था और उसके चारों ओर जो है पत्थर के घेरा लगा दिया जाता था। इसको ही हम क्या बोले हैं, पाषाण घेरे बोले हैं। तो यहाँ पे पाषाण घेरे यहाँ से मिले हैं। ये घर धनौरा जो कि कोंडा गाँव में, घर धनौरा, ये यहाँ से भी हमें पाषाण घेरा और शैलचित्र मिले हैं। लौह युगीन जो पाषाण स्तंभ है वो भी करीबदर, सिरचारी, सोरर, कारकाभाटा, जोगीमरा, सीता बेंगरा गुफा से मिला है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, ये जो गढ़ चंदेला घाटी लोहांग कारीपुर है, ये आपको मध्य पाषाण काल के स्थल है, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। आज हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा और इसके बाद अब हम रामायण काल और महाभारत काल के बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।